हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल। ए वीडियो रे हमें रिलेटिव क्लॉज विषय रे पढेबा। आगुरु दुईटी वीडियो ए चैप्टर अपलोड हो जाई छी। दुईटी जाक वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि। तुम देखिछ भल कथा, यदि न देखिछ ताले वीडियो को निश्चय देख। आमे आज रिलेटिव क्लॉज विषय रे पढेबा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करिन, फर्स्ट टाइम पे मो चैनल को आछ, छोटो रिक्वेस्ट मानिबो, सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब कले केवल हेनी, नोटिफिकेशन बटन टी भी अन् कराइक पड़ो, कारण नोटिफिकेशन तुम्हें कमी पाइब जदि बटन अन् न कर। भल लगे वीडियो शेष पर्यटन देखि सारी लाइक कमेंट आउ शेयर कर दियो। वेरी यूजफुल वीडियो, परीक्षा क्वेश्चन आसे आ सबुपाई। तो भविष्य में जिते एग्जाम दब, आग को जिते पढ़व, रिलेटिव क्लॉज बहुत बहुत दरकार। तेणु जमा भी आपको स्किप करनी वीडियो टी मन दे भल भाव बुझाप चेष्टा कर। जदि कौन असुविधा होझे ताले कमेंट बॉक्स को जाकि कमेंट कर। जदि बहुत असुविधा ताले मुझे निश्चय नुआ वीडियो पुनी चेष्टा करी करवाई। ताले आम लेट न करी वीडियो को स्टार्ट करने जा। देखा रिलेटिव क्लॉज कौन। सम सबनेट क्लॉजेस आर कॉल्ड रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉजेस बिकॉज दे वर्क लाइक एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सबोर्डिनेट क्लॉज गुडा को आम रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज से बेले कह जितेबले से गोटे एडजेक्टिव भाया वाक्य फंक्शन करुथिबे सेंटेंस एडजेक्टिव भाया सी वर्क करुथिबे। एडजेक्टिव कौन आम जानी ना एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन्स। एडजेक्टिव्स गिव एडिशनल इनफर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन विषय में एक्सट्रा इनफर्मेशन एडिशनल इनफर्मेशन जो वर्ड सब दिए आम एडजेक्टिव कहे। जमीक ग्रीन चेयर, ब्रोकन हार्ट, ब्लैक बॉल, ये टाइप जो फास्ट वर्ड गुड़ाक आम एडजेक्टिव कौन करे ना नाउन विषय में आमको एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दिए। ये से नाउन फ्रेज बा नाउन विषय में जदि कौन क्लज किसी आमको एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दबो ताको आम रिलेटिव क्लज कह कि भी डाउट ना। ये एग्जांपल देखा, देख वन ए वन बी वन सी। आई हाव अलरेडी रेड द बुक व्हिच यू गेव मी। आई हाव अलरेडी रेड द बुक व्हिच यू गेव मी। ताले देखो जो इटालिसाइज्ड वर्ड अच्छे व्हिच यू गेव मी एटा सी द बुक विषय में आमको एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दौर। देखो आई हाव अलरेडी रेड द बुक मुझे बही टी पढ़ी सारी जहाँ तुम्हें मत व्हिच यू गेव मी। ये व्हिच गोटे रिलेटिव प्रोनाउन बसी व्हिच यू गेव मी आम ये कहीपर गोटे रिलेटिव एडजेक्टिव क्लज कहीं द बुक ये हूँ नाउन फ्रेज एंटिस्टेंट नाउन आम कहीपर नाउन विषय एक्सट्रा इनफर्मेशन देखा रिलेटिव एडजेक्टिव क्लज सेमती। द बुक व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल बिलंग्स टू माय फ्रेंड। व्हिच इज लाइंग ऑन द टेबल यहाँ गोटे रिलेटिव क्लज कहीं द बुक विषय इनफर्मेशन दौर क्लज टी मेन क्लज कि ना द बुक बिलंग्स टू माय फ्रेंड। देख ये मिसिकी लिखाई ठीक है सेन्टेन्स स्ट्रक्चर को देख रिलेटिव क्लज आगुरी भी रिलेटिव क्लज केमी फर्मेसन हुए से विषय तुम जाच मो चेल मुझ अपलोड कर वीडियो बुझेगा ना कि असुविधा होती कमेंट कर। द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड। द बॉय इज माय फ्रेंड है मेन क्लज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड ये हूँ कौन ना आम रिलेटिव क्लज कारण से बॉय विषय में आमको एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दौर। द बॉय से बालक जी हु रिलेटिव नॉन हु द इटालिसाइज क्लजेस वर्क आर द एडजेक्टिव्स ऑफ द नाउन्स दैट कम बिफोर दोज क्लजेस। जो क्लज गुड़ाक बसी पूर्व देख आमर कि नाउन बसी बुझेगा क्लज गुड़ाक एडजेक्टिव भाई काम करुच्चे तेनालीराम गोटे एडजेक्टिव क्लज रिलेटिव क्लज भेरी सिंपल किसी डाउट रही कथा ना। इफ यू स्टडी द सेंटेंसेस वी विल फाइंड दैट ईच ऑफ देम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। आम जी से वाक्य गुड़ाक आम भांगा तो देखा से दुटा वाक्य को नहीं गठित होती वन डी यू गेव मी ए बुक आई हाव अलरेडी रेड द बुक बुझेगा यू गेव मी ए बुक व्हिच यू गेव मी लग जा बुझेगा सेमती। द कमन वर्ड बिटवीन टू सेंटेंसेस इज बुक से बुक अच्छी बुक अच्छी कमन अच्छी तेणु आम थे लिखी तीन रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच किंबा दैट बसई पारे सेमती। वन ए देख आई हाव अलरेडी रेड द बुक व्हिच यू गेव मी दैट यू गेव मी रिलेटिव प्रोनाउन ल लिखी थर्ड सेंटेंस लिखाई तेल आम जान लें रिलेटिव प्रोनाउन कौन ना इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द रिलेटिव क्लज। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहवा ना इज द सॉरी इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द रिलेटिव क्लज द रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ड्रॉप्ड इन
द लास्ट सेंटेंस जब लास्ट सेंटेंस ड्रॉप होइछि तले हमें ताको हमें ड्रॉप करि पारिबा जदि कोन हेतिबो नेगेटिव प्रोनाउन टा ओटे ऑब्जेक्ट हेतिबो तले टिप्लोन कोन कोन ना हु हुम व्हिच दैट हु जदि हमें जीए बुझिबा हु बसिबो जाहाकु बुझिना जदि हमें उड़िया रे हुम बसिबो जेउटी बुझिबो व्हिच किबा दैट बसिबो आ जहार बुझिबो हुज बसिबो पजेसिव अर्थरे जानिला वर्तमान हमें किछि इंपोर्टेंट एक्टिविटी आगो प्रैक्टिस कर देबा देखि परथिबो डिस्प्ले रे कर देइछि मु एक्टिविटी 1 रो आंसर से कहिला कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ देम एज ए रिलेटिव क्लॉज गोटी पा रिलेटिव क्लॉज करबा तीरक सेंटेंस को कंबाइन करबा विथ रिलेटिव प्रोनाउन हमें आगुरु पढ़ीचे केमती कंबाइन करा हुए से विषय में आउ थरे मन पकाई दउछि जदि दुईटी सेंटेंस हमें कंबाइन करबा गोटी को रिलेटिव क्लॉज करबा फर्स्ट देखिबा एंटीसिडेंट पा नाउन फ्रेज सेंटेंस रो केउ स्थान रे अछि जदि स्टार्टिंग रे अछि तले आगो एंटीसिडेंट को लिखिबा तबरे कमा दबा सेकंड सेंटेंस को हमें रिलेटिव क्लॉज लगी लिखिबा तापर कमा देखि फर्स्ट सेंटेंस जो रेस्ट थिबो ताको लिखिबा एटा गोटे टाइप मन रखिबो जदि आउ गोटे टाइप होची कोन ना हमर जदि एंटीसिडेंट बा नाउन फ्रेज सेंटेंस रो लास्ट रे अछि ताले हमें से सेंटेंस टू सीधा लिखिकी तापर सेकंड सेंटेंस रे जोटा कॉमन थिबो से एंटीसिडेंट बा नाउन फ्रेज बदल ताको हमें हु किंबा व्हिच किंबा दैट एभली रिलेटिव प्रोनाउन यूज करी जहाँ जो जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन बसिबो तापर से सेंटेंस टू कंप्लीट करबा हमें एग्जाम्पल बा एक्टिविटी रे जो क्वेश्चन दीची से उड़ा को कहिले तुम्हें बुझीजिबो द बर्ड्स आर चॉपिंग द बर्ड्स लिव इन द नेबरहुड देख द बर्ड्स फर्स्ट आगे हमें मेन क्लॉज बोली धरिबा द बर्ड्स आर चॉपिंग द बर्ड्स एंटीसिडेंट देख सेंटेंस भी से द बर्ड्स लिखाई ताले हमें कौन करिबा ना द बर्ड्स आगे लिखिबा जेतु नाउन फ्रेज एंटीसिडेंट व्हिच और दैट बसेबा गोटे आ भितरु लिव इन द नेबरहुड देखो सेकंड से हम लिखि जे लिव इन द नेबरहुड तापर फर्स्ट सेंटेंस छाडीतिले जहा आर चॉपिंग ताकु लिखिले आंसर हला द बर्ड्स व्हिच और दैट लिव इन द नेबरहुड आर चॉपिंग से भली सेकंड सेंटेंस टिक डिफरेंट अछि देखो सेकंड रूल अनुजाई आई राइट विथ द पेन माय फादर पॉट द पेन फॉर मी आई राइट विथ द पेन देख द पेन एटी सेंटेंस लास्ट रे अछि द पेन तेन एंटीसिडेंट नाउन फ्रेज जब लास्ट थी आमको वेरी सिंपल प्रोसेस आई राइट विथ द पेन व्हिच बा दैट माय फादर बॉट फॉर मी वेरी सिंपल एटा माय फादर द पेन आउ लिखिबानी थरे लिखा हला द पेन व्हिच और दैट तापर माय फादर बॉट आउ द पेन लिखिबा द्वितीय थर दरकार नाही सेमती द सीक वर डिलाइटेड फ्लोरेस नाइट एंगल लॉस्ट द सीक हुम फ्लोरेस नाइट एंगल एटी हुम पळेसला हुम फ्लोरेस नाइट एंगल लॉस्ट आउ द सीक लिखा हबो नाही वी आर डिलाइटेड आई लाइक द मैन हु हाज ए स्माइलिंग फेस एभली कंबाइन कर रूल अनुजाई द थीप एस्केप इन द डार्क द थीप हाड रब्ड मी द थीप आगे बस तेणुक फास्ट रूल द थीप हु हाड रब्ड मी एस्केप इन द डार्क ए विषय में भिडियो आगे कर सारी तुम्हें देखी छ द बॉय इज आवर मॉनिटर ही आई हैव बोरोड हिज बुक द बॉय हुज बुक्स आई हैव बोरोड इज आवर मॉनिटर व्यस्त हार किसी नहीं एमती आगक भी ये कनसेप्ट नहीं कि नुआ नुआ भिडियो अपलोड करी तुम्हें किसी किसी बुझी जाओ आग ये विषय एग्जाम पाखे आसला द चेयर हाज ए क्राक लेग हि सीटिंग इन द चेयर इन ह्विच हि सीटिंग हाज ए क्राक्ड लेग जाणीला एक्टिविटी वन रनसर आम करदे टू एत इम्पोर्टाट ना बर्तमान आम देखा डिफाइनिंग आउ नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन देख लिखाई दुटा एग्जाम्पल द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड एटी रिलेटिव क्लॉज किए देखिपारे जो इटालीसाइज लिखाई ढल कि बाँ को लिखाई आम इटालीसाइज वार्ड बोली कहे हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स एटी नाउन फ्रेज एंटीसिडेंट किए ना द बॉय लक्ष्य कर वाक्य को सेकेंड वाक्य देखा अमित हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड अमित ऑलरेडी गोटे नेम दे दीजिए अमित इज माय फ्रेंड है मेन क्लॉज अमित हूँ गोटे नाउन तले हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स देख अमित विषय किसी एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दौना अमित तो ना आम जानगले तेना वाक्य जो नाउन सरी आम रिलेटिव क्लॉज अच्छी यहाँ गोटे नॉन आइडेंटिफाइंग बा नॉन डिफाइनिंग कहवा कहीं ऑलरेडी आम जानचे गोटे ऑब्जेक्ट नाउन विषय एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दिए कि जेहेतु ऑलरेडी ना दि जाइए क्लॉज टी आ कि एक्स्ट्रा इनफर्मेशन दौर आडिशनल कथा कहे ताले ताको आमे
କ'ଣ କହିବା ନା ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଦ ବୟ ହୁ ଅଲୱେଜ୍ ଗିଭ୍ସ ମି ବୁକ୍ସ। ଏଠି ଏଇ କ୍ଲଜ୍ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି, ଦ ବୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହୁ ଅଲୱେଜ୍ ଗିଭ୍ସ ମି ବୁକ୍ସ, ଯିଏ ଆମକୁ ବହି ଦିଏ ସବୁବେଳେ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଫାଇନିଂ କହିବା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅମିତ ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ହୁ ଅଲୱେଜ୍ ଗିଭ୍ସ ମି ବୁକ୍ସ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ନନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଙ୍ଗ ଅର୍ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଦେଖ ରିମେମ୍ବର ଦ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଫର୍ ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡିସନାଲ ପାର୍ଟ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ କମାଜ ଅର୍ ଏ କମା। କମା ଦିଆ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଣ୍ଟିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପରେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ ରହିବ, ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଛି ନେମ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍ ଆସିବ ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ହେବ ବୋଲି। ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବସିପାରିବା ନାହିଁ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂରେ। ଦ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଡ୍ରପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂରେ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଲାଇକ୍ ଏନି ୱାନ୍, ଏନିବଡି, ଏନି ୱାନ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ୍, ସମ୍ ୱାନ୍, ସମ୍ବଡି, ସମଥିଙ୍ଗ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ସମଟାଇମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଦ ହୋଲ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଯେମିତିକି ସତୀଶ ସ୍କୋର୍ଡ ଏ ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ପୁରା କ୍ଲଜ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ବି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍। ବୁଝିହେଲା? ସତୀଶ ସ୍କୋର୍ଡ ଏ ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମେ, ଡିଫାଇନିଂ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ମନେ ରଖିବ। ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ ଆମର ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍। କମା ଦିଆହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ବସିପାରିବନି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଦେଇ ବିଷୟଟିକୁ ସାରିଦେବା। ଲାଇନ୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ରାଇଟ୍ ଡି ଫର୍ ଡିଫାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ଫର୍ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜେସ୍। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଡିଫାଇନିଂ ପାଇଁ ଡି ଲେଖିବା, ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ପାଇଁ ଏନ୍ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ସେଲ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ହୁ ସେଲ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡି ଲେଖିଛେ, କାହିଁକିନା ଡିଫାଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍। ସେଇଭଳି ଭୋଳା ହୁଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍, ଦେଖ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଳା ଦେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ହିଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁ ଅପନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଆର୍ ହାଉସ୍, ହୁ ଅପନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଆର୍ ହାଉସ୍ ଡିଫାଇନିଂ, କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡର ନେମ୍ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍। ହ୍ୱାର୍ ଡଜ୍ ଅମିତ, ଅମିତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲଜ୍ଟି ହେବ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ବୁଝିହେଉଛି ଡିଫାଇନିଂ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ କର ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି, ୟେସ୍ ବୋଲି। ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ହୁଇଜ୍ ଏ ଜଜ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ହିୟର୍ ଟୁମରୋ, ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଏଠି କମା ଦେଇନି, ତେଣୁ କରି ଡିଫାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଅଙ୍କଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଭିଆଇରେ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ହୁଇଜ୍ ଏ ଜଜ୍ ଏଠି କମା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କରୁଛେ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମା ପାଇଁ ଆମେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ଲେଖୁଛେ, କମା ଦିଆଇନି ବୋଲି ଡିଫାଇନିଂ କରୁଛେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁଛ ତୁମେ, ତେଣୁ ମାଇ ଫାଦର ହୁଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଟକ୍, ମାଇ ଫାଦର ହୁଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଅଲରେଡ଼ି ମାଇ ଫାଦର ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେବ। ଅନ୍ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିୟର୍ସ ଏ କ୍ରାଉନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିୟର୍ସ ଏ କ୍ରାଉନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ସେଭଳି ୱି ଲଭ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଥିଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ ଭିଲେଜ୍, ଡିଫାଇନିଂ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ର ଜାଣିନେ ଡିଟେଲ୍ସ। ୱି କଲ୍ ଅଙ୍କଲ୍ ଭୋଳା, ଅଙ୍କଲ୍ ଭୋଳା ଦେଲା, ତେଣୁ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ୍, ଡିଫାଇନ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ହୁ, ହୁଇଜ୍, ହୋୟାର, ହୁଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯେମିତିକି ହୁ କି ହୁଇଜ୍ କି ହୋୟାର କି ହୁଜ୍ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଉଟା ବସେଇବା। ଦ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଜ୍, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଦ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ଆଇ ଲିଭ୍ଡ, କେଉଁଠି ହୁଇଜ୍ ବସିବ, କେଉଁଠି ହୁ ବସିବ, ଦେଖ। ଆଇ ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପୁଲ୍ଡ ଡାଉନ୍ ନାଉ। ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହୁ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ ଓମ୍ୟାନ୍, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ହୁ, ଯିଏ ଯିଏ ପାଇଁ ହୁ ବସିବ। ଷ୍ଟପ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଷ୍ଟୋଲ୍ ମାଇ ପର୍ସ, ଯିଏ ମୋ ପର୍ସ ଚୋରି କରିନେଲା, ହୁ ଷ୍ଟୋଲ୍ ମାଇ ପର୍ସ। ସେମିତି ଦେ ହାଭ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସେଟ୍, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ହୁଇଚ୍ ଉଠି ବସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ସେଠି ବସିପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଆର୍ ଆର୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ହୁଜ୍ ଲାଇଫ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଏଲ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଏଠି ଯାହାର ଜୀବନ, ହୁଜ୍ ଯାହାର ପଦେଶୀ ବର୍ଥ ବୁଝାହେଉଛି, ତେଣୁ ହୁଜ୍ ବସିଲା। ଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁ ପ୍ରେସ୍ଡ, ଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ ପ୍ରେସ୍ଡ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ପ୍ରେସ୍ଡ, ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। କୁଡ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ହୁଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ସ ଆର୍ ୱିଥ୍ ମି ରେଷ୍ଟ ଦେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହାଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍
ଭିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହୁଇଚ୍, କେଉଁଠି ଦ୍ୟାଟ୍, କେଉଁଠି ହୁଜ୍, କେଉଁଠି ହୁମ୍, କେଉଁଠି ହୁ ବସୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହେଲେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଭଳି ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଫର୍ମେସନ୍, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଡିଫାଇନିଂ କି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ, ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋ ନାଉନ୍ କେଉଁଠି ବସୁଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କରେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ବୁଝିଯିବା ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ଚାପ୍ଟରଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିଲ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କର। ଜମା ବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତୁମେ କରୁନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।